एक महिला ने दुपट्टा डाला चीफ मिनिस्टर के कदमों में। चीफ मिनिस्टर का फर्ज ये बनता था अगर उनके मन में अपनी बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अगर थोड़ी सी भी गैरत थी तो वो उसका दुपट्टा उठा के उसके सर पे रखते और उसको कहते बेटा चिंता मत कर, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। बात ख़त्म हो जानी थी, बजाय इस चीज़ को यहाँ ख़त्म करने के बेटियों को बेइज्जत करने का बीड़ा उठा लिया मुख्यमंत्री। विधानसभा में देखना क्या होता है मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री का पहले सिरसा में विरोध हुआ, उसके बाद महेंद्रगढ़ में बंधक बना लिया गया, लेकिन बाद में सीएम साहब चंडीगढ़ जाकर के बयान देते हैं कि हमने तो खर्ची खत्म कर दी, विकास कर रहे हैं। उधर जेजेपी वाले कह रहे हैं कि 45 होते तो 5100 पेंशन कर देते, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं। सब झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अब इनकी दुकान बंद हो चुकी है, अब ये झूठ का सहारा लेकर के कहीं अपने आप को अखबार के माध्यम से लोगों के बीच में खड़ा रखना चाहते हैं। लोगों के बीच में जा नहीं सकते, प्रेस के माध्यम से ही अपनी बात कह सकते हैं, उस पर अब लोगों का कोई भरोसा नहीं रहा। अब तो लोग इनसे ऊब चुके हैं, नफरत करने लगे। आपने देखा नहीं किस तरह से लोग इतनी बड़ी संख्या में खड़े होकर के विरोध करते हैं। ये नफरत है इनके खिलाफ, पूरे हरियाणा प्रदेश में बगावत है, देश में मोदी के खिलाफ भी बगावत है। अंतिम सवाल है, यहाँ हरियाणा में संदीप सिंह पर आरोप लगे, उसके बाद ब्रजभूषण पर लगे, महिला कोच हैं वो लगा रहे हैं, खिलाड़ी लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर हालत के अंदर हमारी बेटियों के साथ न्याय होगा। अब ये मामला केवल बेटियों का नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अब देश का किसान जो है इस इशू को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप देखना ब्रजभूषण पार्टी से भी निकलेगा और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, जेल भी जाएगा। हरियाणा में किसानों की बड़ी दुर्गति हो रही है, ओलावृष्टि को लेकर 2022 का बीमा क्लेम छोटा में 2020 से नहीं मिल रहा, 2022 नहीं, 2020 से हरियाणा प्रदेश के किसानों को क्लेम नहीं मिल रहा। ये लोग क्लेम देंगे कैसे, जबकि बीमा की राशि भी सरकार ने जमा नहीं कराई। बीमे की राशि जमा नहीं कराओगे तो क्लेम कहाँ से आएगा। चौधरी साहब, 50% हिस्सेदारी दे दी औरतों को, पंचायती चुनाव के अंदर हिस्सेदारी दे दी, लेकिन सीएम का आना और एक महिला सरपंच पर 250 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर 3 दिन नजरबंद रखना, किस एंगल से देखते हैं। एक महिला ने दुपट्टा डाला चीफ मिनिस्टर के कदमों में। चीफ मिनिस्टर का फर्ज ये बनता था अगर उनके मन में अपनी बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अगर थोड़ी सी भी गैरत थी तो वो उसका दुपट्टा उठा के उसके सर पे रखते और उसको कहते बेटा चिंता मत कर, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, अगर तेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। बात ख़त्म हो जानी थी, बजाय इस चीज़ को यहाँ ख़त्म करने के बेटियों को बेइज्जत करने का बीड़ा उठा लिया मुख्यमंत्री। विधानसभा में देखना क्या होता है मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद।